वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल उमेश पांडे में आपका स्वागत है। गाइज आज मैं आपसे नई खास कर बात करने वाला हूँ कि ये देख रहे हैं आप क्या चीज़ है, तो इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको आज कि ये हेलमेट तो मैंने यामा का जो गाड़ी ली थी तो गाइज उसमें मेरे को ये हेलमेट मिला था, बहुत ही मजबूत है और अच्छी जानदार चीज़ है। ये देखिए आप, तो इसका जो शीशा है ऐसा टाइप का शीशा है और ये कहीं मिल नहीं रहा है, तो अमेजोन में इसकी प्राइस है कम से कम 700 रुपये या 650 रुपये का शीशा आता है, जेन्युइन है। और यहाँ दिल्ली में कहीं जो दुकानें हैं छोटी मोटी और आसपास जो क्या कहते हैं ये पटरी में जो बैठते हैं इनके पास नहीं मिल रहा है, तो मैंने सोचा कि आज मैं हेलमेट की मार्केट झंडे वालों में जाऊँ और अपने इसके शीशा लेके आऊँ, देखते हैं वहाँ कितने का है। तो मेरा विचार आज झंडे वाला हेलमेट मार्केट में जाने का है और मैं भी देखूंगा और आपको भी दिखाऊंगा कि मार्केट में कितना का मिलता है, मार्केट कैसा है क्या है। तो चलते हैं आज झंडे वाला मार्केट और दिखाते हैं आपको शीशे के बारे में, हेलमेट की मार्केट वहाँ पे, और देखते हैं कैसे मुझे मिलता है, वहीं चलते हैं वहीं मिलाते हैं आपको रास्ते का नज़ारा दिखाते हुए। एक टाइम था जब 12 खंबा रोड में इतनी भीड़ हुआ करती थी कि क्या बताऊं, लेकिन आज मेट्रो और इसके सुविधाएं के कारण सीधा झंडे वालों के, और झंडे वालों को ज़्यादा दूर मिलने यहाँ से नज़दीकी है। एक तो यहाँ पर दिखाई दे रही है मार्केट, अगर मिल जाती है यहाँ पे तो देख लेता हूँ, और अगर मिल गया तो ये हेलमेट का शीशा मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा, ये देखना खोलना खोल। बता दो पैसे बता दो कितने का है, ये कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा आगे, ये हेलमेट की मार्केट है कहाँ पे? झंडे वाले की मार्केट कौन सी है, यहाँ नहीं मिलेगा। ये कह रहे हैं कि यहाँ नहीं मिलेगा और ये जेन्युइन है, ये उसके पास ही मिलेगा क्योंकि उसके पास सामान सारा महंगा मिलता है। कोटला जो दुकानदार है काफ़ी सामान मिलता है उसके पास एक्सेसरीज बाइक का। मैं करोल बाग आ चुका हूँ, यहाँ पे एक चोपड़ा की दुकान है, ये है जी चोपड़ा। तो मैं पहुँच चुका हूँ चोपड़ा ऑटो मोबाइल की दुकान पर, ये बहुत मशहूर है मार्केट में, और मार्केट में इस समय जो है आप पीछे देख रहे हैं और पीछे देख रहे हैं आप, कहीं पर भी हेलमेट का ये शीशा नहीं मिलता है। जो मैं ढूंढ रहा था जैसे मैंने आपको हेलमेट दिखाया था, ये सभी लोग कह रहे हैं कि ये हेलमेट जो है बाहर का है, और बाहर के होने के कारण जो है यहाँ पर ये शीशा मिलेगा नहीं। कोई बोल रहा है झंडे वाला मिलेगा तो मैं झंडे वालों में आ गया, कोई बोल रहा करोलबाग तो मैं करोलबाग भी गया था, वहाँ भी नहीं मिला। सबसे मशहूर दुकान है चोपड़ा ऑटो मोबाइल, उसके पास भी नहीं मिला। अब ये बोल रहे हैं कि सरोजिनी नगर मार्केट में मिलेगा तो वहाँ भी नहीं मिलेगा, तो खाली जाने बेकार है। तो इसलिए इतना बड़ा जब झंडे वाला मार्केट में नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब फिर कहीं नहीं मिल रहा होगा, तो चलते हैं फिर, अब ऑनलाइन ही मंगाना पड़ेगा, ऑनलाइन देखेंगे इसके बाद ही बात करेंगे। और
अब एक ही काम हो सकता है कि इसका शीशा ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा।